तो बच्चों, ये हमारी शीट फोर है, शीट फोर शुरू हो रही है। क्वेश्चन नंबर वन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज जर्नल टर्म इज एन इज इक्वल टू 2n+1। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, करना बहुत आसान है, बे इंतहा ध्यान से सुनो। इसको कैसे करेंगे, देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 2n+1। ये इन्होंने जर्नल टर्म दे दी है एन टर्म, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इसको दूसरी कलर से लिख रहा हूं मैं। फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फार्मूला। जरा इसको खोल लेते हैं, ए प्लस डी इंटू एन माइनस डी। अब इसको सही से लगा लेते हैं, डी एन प्लस ए माइनस बी, ठीक है। ये जनरल टर्म होती है फार्मूले की, ये हर जगह वैलिड है, ये तो ऑल प्लेसेस पर वैलिड है, ऑल प्लेसेस, ठीक है, एवरीवेयर। और ये वाली जो जनरल टर्म दे रखी है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर है, बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं। तो जो ऑल टाइम्स वैलिड है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू डी एन प्लस ए माइनस डी। तो यहां से आपको दिख गया एन का जो कोफिशियंट है वो क्या चीज है, ये डी इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, टू बस। तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 के बराबर आ गया। अगर कोई आपसे फर्स्ट टर्म पूछना चाहे तो फर्स्ट टर्म भी आप निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म बेसिकली इसके अंदर कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा, तो ए माइनस टू, देखिए जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो यहां से आ जाएगी, ए माइनस डी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बात समझ में आई। तो ए माइनस टू इज इक्वल टू 1, तो ए किसके बराबर आ जाएगा भाई, 3 के बराबर। बोलो समझ में आई बात या नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बेसिकली डी इज इक्वल टू 2, समझ में आ गया बच्चों, पवनार बेटा समझ में आ गया, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, इसको आपने पूछा पूछा भी था यस सर, इम्तिहान जब मुझसे क्लास के अंदर, है ना। तो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बच्चों, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आप छोड़कर मत आना, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आ जाए तो, ठीक है ना। तो अभी राइट समझ में आ रहा बेटा, यस सर। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एफ एन एपी, आपको बेसिकली ये ए एन दे रखा है, ये आपको ए दे रखा है, और डी किसके बराबर दे रखा है, डी 3 के बराबर दे रखा है। तो आराम से निकाल लोगे आप, डू इट बाय योरसेल, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ एपी। अब इसको कैसे करेंगे, पॉजिटिव टर्म, अब इसमें क्या माने हम, इसमें हम ए एन को मान लें प्लस 1, क्या मान लें हम, ए एन को प्लस 1 मान लें। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग बातें बताते हैं, कोई 0 बताता है, कोई कुछ बताता है, बहरहाल। और इसमें बच्चों ए किसके बराबर है, ए माइनस 11 के बराबर है, और डी किसके बराबर है, डी बताओ भाई, भारती किसके बराबर है बेटा, क्या सर 3 बात, डी किसके बराबर है, यहां पर 3 के बराबर है। एन बेसिकली हमें निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन को मैं जानबूझ के प्लस 1 लिख रहा हूं, अब मैं एन की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, बेसिकली फर्स्ट पॉजिटिव टर्म निकालनी है हमें, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, तो पहले हम निकाल लेते हैं ये फर्स्ट पॉजिटिव टर्म प्लस 1 आएगी या नहीं आएगी, बेसिकली यहां पर एन निकालने वाली बात थी, सबसे पहले आप एन निकालिए, ठीक है ना। तो ए किसके बराबर है, माइनस 11 के बराबर है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है, डी 3 के बराबर। तो प्लस 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, तो 3n किसके बराबर हो जाएगा, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17, तो n किसके बराबर आ गया बच्चों, 17/3 आ गया, n किसके बराबर आ गया, n बराबर आ गया 17/3, किसके बराबर हो जाएगा, ये जल्दी से बताइए, 3 5 15, 5.67 आ गया। तो यानी पहली जो पॉजिटिव टर्म होगी ना, उसकी एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6। बोलो समझ में आया या नहीं,
बोलिए राइट, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर बेटा, कहीं सर गलती करी ये मैंने? आंसर, अगर हम यहाँ पे 11 को ले जाते हैं, 12, और 3 को मल्टीप्लाई से ही डिवाइड पे ले आते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं क्या लिया है? सर? 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आए और फिर +1 कर ले। नहीं ऐसे, इसमें एन की वैल्यू, ये वाला प्रोसीजर समझ में आया तुम्हारे? यानी एन निकालने वाला? बोलो, ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो, किस तरीके से कह अरे रहे हो? ये 15 हो रहा है, 12 + 3 एक मिनट, कहाँ पे गलती करी मैंने? से, यहाँ 14 + 3 14 + 3 तो 17 ही होगा। सर, ये 12 होगा, 12 + 3 ओ सॉरी सॉरी, 11 थ्री है ना प्लस थ्री ये? ओके, 12 + 3, या राइट, ये होगा आपके 15, और 15 / 3 तो ये होगा बेसिकली 15 / 3, तो ये आ जाएगा आपके 5। तो जब ये 5 आ गया ना, जब एन की वैल्यू 5 आ गई, तो इसका मतलब ए एन जो है ये -1 है, वो सॉरी +1 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब एन बेसिकली एक नेचुरल नंबर आ गया, काउंटिंग नंबर आ गया एन, तो इसका मतलब इस नंबर पे एक टर्म रखी हुई है। बात समझ में आ रही है? इस नंबर पे एक टर्म रखी हुई है, अगर रखी हुई है इस नंबर पर एक टर्म, तो ये ही टर्म हो जाएगी जो हमने मानी थी। बोलो, समझ में आ गई? पहली टर्म यही हो जाएगी। बोलिए, बोलो यस ओके भाई। सर। ओके आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ओके, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, या मैंने करवाया भी था आपको ऑनलाइन, जब शुरू में पढ़ा रहा था, जब भी करवाया था। टर्म सीरीज क्या दे रखी है? 2, 5, 8, और ये चलता चला जा रहा है कहां तक? 35। तो ये तो पहली टर्म है और ये लास्ट टर्म है ना? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की जो टर्म है, अगर पीछे की अगर यहां से काउंट करें लेफ्ट साइड, बात समझ में आई? तो उसका फार्मूला क्या है? क्या बताया था भाई भारती? बताओ बेटा, क्या बताया था मैंने फार्मूला? क्या बताया था? एल एन इज इक्वल टू एल माइनस माइनस एन माइनस एन वन इंटू डी, यही बताया था? सर। एन माइनस वन ही था बेटा। और ये एन कौन सा नंबर होगा? ये एन नंबर होगा जो लास्ट से गिनते चले जा रहे हैं हम, शुरू से नहीं, लास्ट से जो गिनते चले जा रहे हैं। तो हमसे कौन सी टर्म पूछी है? फोर्थ टर्म पूछी है, फोर्थ टर्म। अब लास्ट टर्म कौन सी है? लास्ट टर्म है 35 -4 -1, और डी कितना है इसमें? डी है आपका 3, यहां से 3 तो आ रहा है, डी डी इक्वल टू 3। ठीक है, तो एल 4 किसके बराबर हो जाएगा? 35 -3 × 3 इज इक्वल टू 35 - 9 इज इक्वल टू 26। तो अभी 26 है कोई आंसर? हाँ, यस सर, 26 आंसर है। यस सर, बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर, यस। क्वेश्चन नंबर 5, द 11th एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी 35 41 रेस्पेक्टिवली, कॉमन डिफरेंस 11th और 31 दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 41 - 35 इज इक्वल टू 2 × d। बोलो, समझ में आया? क्या किया ये मैंने? ठीक यस सर, है, अब अपने यस आप निकाल लेना आप इसमें, मैंने अभी तो बताया ये आपको पिछली बार उसमें। ठीक है, किसी को पूछना तो नहीं है? हुज़ैफ़ा, समझ में आ रहा है ये कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट? जी सर। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो इससे रूट से घबराने की जरूरत नहीं है। √8 लिखा है, √18 लिखा है, √32 लिखा है, ये कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2√, एक मिनट, 3 × 9 3√2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4√2 हो फोर सर, जाएगा। तो अगली टर्म कौन सी आएगी? 2√2, 3√2, 4√2, अगली कौन सी फाइव आएगी? टू 5√2। टू बस हाँ बात खत्म, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? क्यों भाई हुजैफा, कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें?
सर इसमें है √2। हाँ रूट टू कॉमन डिफरेंस। बच्चों मैं एक ना लाइट दिला दूं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर एन एपी A5 इज इक्वल टू A10 इज इक्वल टू 5 है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर 0 0 आएगा। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से और तरीके से भी बनाया जा सकता है, बीच में प्लस माइनस लगा। अब क्या कह रहे हैं, A5 इज इक्वल टू A10 इज इक्वल टू 5A। A मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। A5 किसके बराबर होगा भाई, A+4D के बराबर होगा। A10 किसके बराबर होगा, A+9D के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, 5A। सब में से A माइनस कर दो, सब में से क्या माइनस कर दो, A माइनस कर दो, सब में से A माइनस कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा, 4D, यहाँ क्या बचेगा, 9D, यहाँ क्या बचेगा, 4A। अब देखो ध्यान से समझ लेना बात को, यहां से सॉल्यूशन आ रहा है 9D इज इक्वल टू 4A, और यहां से सॉल्यूशन आ रहा है A इज इक्वल टू D, लेकिन इन दोनों का सॉल्यूशन आ रहा है D इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 0। बात समझ में, तो कॉमन सॉल्यूशन चूज करते हैं हम, हमेशा कौन सा सॉल्यूशन चूज करते हैं, हम कॉमन सॉल्यूशन चूज करेंगे हमेशा। तो कॉमन सॉल्यूशन ये तीनों कब करेक्ट हो सकते हैं, जब ए भी 0 हो और डी भी 0 हो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक यस है ना, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा बेटा, A15 पूछा है, जब ए 0 है डी भी 0 है तो A15 भी 0 ही होगा, यही बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है। इसमें एक भी आंसर करेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है ना। वो बात अलग है कि ये बेसिकली यहाँ पर इक्वल टू ना होकर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ और हो, तो बात समझ में आती है कि कुछ और भी हो सकता है, तो फिर आंसर कुछ और आएगा। बराबर, हमें जो इस टाइम नजर आ रहा है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आंसर जो है वो 0 आया। आगे बढ़े बच्चों, इसको कभी और देखेंगे कि इसमें और क्या लगा सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एपी। ये क्वेश्चन जो है ना है तो बहुत आसान, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान के अखबार से आ सकता है। तो भाई कौन बताएगा इसको, हो जाएगा बताओ बेटा, कौन सा इसमें एपी नहीं है। हाँ सर, बी तीन और चार 7 और 5 12। नहीं ये तो लग रहा है, क्यों भाई फवाद है या सर नहीं है, है ये ये कह रहे हैं सर। यस 12 और सर, बी 18 में नहीं सिक्स है, का डिफरेंस आ जाएगा ना, और ठीक। बाकी यस सब में सर, फोर एक्चुअली में का। एपी की खास बात क्या है बच्चों, एपी की खास बात यह है कुछ हो ना हो कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए हर बार। हर बार क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए हर बार, ठीक है ना। तो अगली टर्म में से जब भी पिछली घटाएं तो सेम नंबर आना चाहिए। तो बेसिकली यही एक एपी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। इसका तो भाई फार्मूला भी होता है, कौन बताएगा फार्मूला, बताया था मैंने, याद करो। सर 2p+1 सर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर खाली, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन बाई टू, यहां पे बचा ये 2, प्लस एन कितना है, एन माइनस वन ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस एन बाई टू इंटू एन माइनस एन बाई टू, है कि नहीं। अब ये इससे कट गया, एन माइनस एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर बाई टू, ये कितना हो जाएगा, एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर बाई टू, कितना हो गया, नीचे आ गया 2, एन कॉमन एन प्लस वन। बोलो तो क्या आ गया, एन एन प्लस वन बाई टू, ये होता है। अब याद सर रहेगा, यहाँ पर सर डी तो अच्छा टू, यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ यहाँ बेसिकली ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पर क्या चीज है, ऑड नेचुरल नंबर। मैं खाली
नेचुरल नंबर, 20 नेचुरल नंबर समझ रहा था। तो ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, सम ऑफ एन फर्स्ट नेचुरल नंबर, एलिमेंट। ठीक है, ये किसका है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अब ऑड के लिए क्या हो जाएगा, चलो इतना ये याद रखना बच्चों, ये पूछा गया है इम्तिहान में पहले भी, ठीक है ना, ये इम्तिहान में पहले पूछा गया है। तो इसको हम कई तरीके से लिख देते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू भी लिख देते हैं, तो ये पूछा जाता है। अब यहीं पे आप 20 रख दो, 40 रख दो, 16 रख दो, चाहे जो रख दो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारा वाला क्या है। तो फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर, पहला होगा 3 ना, पहला होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5, और ये चलता चला जाए। बात समझ में आ रही है, ए हो गया 1, डी हो गया आपके 2, और एन हो गया आपका 20, और आपको क्या निकालना, सॉरी आपको निकालना सम, सम ऑफ 20 इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया 20/2, 2 × 1 प्लस 20 − 1 इंटू टू, बोलो सही लिखा, 10, ये हो गया 2 प्लस, ये कितना हो गया, 19 × 2 कितना हो गया, 19 × 2 38, बोलो सही लिखा है, बोल यस सर। दे कितना आंसर आ गया, 400, 400 ही तो आएगा बेटा। यस इसको तुम याद भी कर यस लो, देखो पहले 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम 400 आएगा, इसको याद कर लो, वहां सॉल्व मत करना। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा याद कर लो, बात समझ में, पहले 100 तक जो इवन वो सॉरी आपके प्राइम नंबर्स हैं उनका सम कितना आएगा उसे याद कर लो, कौन कौन से होंगे, हालांकि वो इन फार्मूले से तो नहीं होंगे, इसको याद कर लो, कुछ चीजें याद कर लोगे ना तो वहां डायरेक्ट पुट करके आना, ताकि वहां पर टाइम ना खराब हो, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों, ये जो सवाल है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, एन एन प्लस 1 अपॉन 2, बोलो यस सर। ठीक है। अब बताओ जरा जल्दी से कितना होगा, 20 × 21/2 इज इक्वल टू 210, यही आएगा, अरे यस बोलो यस सर। ठीक है। अभी इस शीट में और भी सवाल है।